और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो है फॉन्ट का, और फॉन्ट में कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हम आज करेंगे। फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन स्टाइल, बॉर्डर, फिल कलर, अलाइनमेंट, ये हमारे आज के टॉपिक। अब टॉपिक में देखो फॉन्ट फेस क्या होता है। फॉन्ट फेस होता है कि जो हमने मैटर टाइप किया है उसका हमें फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज कैसे, फॉन्ट फेस जैसे कि अभी हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, हमें हिंदी का मैटर कुछ टाइप करना है, तो हम क्या है उसमें हिंदी का फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, ये यहाँ से हम क्या है फॉन्ट फेस ले सकते हैं, ये होता है फॉन्ट फेस। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या होता है, अक्षरों का साइज। एक्सेल में जो नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11 का। एक्सेल में नॉर्मल फॉन्ट साइज कितना होता है 11। फॉन्ट स्टाइल, अक्षरों का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल होते हैं 4, रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड इटालिक। फॉन्ट कलर, अक्षरों का कलर, अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन का कलर ले सकते हो, अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करते हो, और डबल अंडरलाइन लेना चाहते हो तो डबल भी ले सकते हो। इसके बाद है फिर हमारा बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है कि जो हमने सीट सिलेक्ट की है, जो हमने एक्सेल में सीट तैयार की है उस पर हम बॉर्डर इंसर्ट करना है, वो हम क्या है बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आपको चारों तरफ का चाहिए, मतलब ऑल बॉर्डर चाहिए, या फिर आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, रो का बॉर्डर चाहिए, कॉलम का चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर, जो जिस तरीके से हमें बॉर्डर चाहिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे अगला ऑप्शन है फिर हमारा फिल कलर, कि जो एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा है एक्सेल की सीट का उस पर कलर इंसर्ट करने के लिए, मतलब बैकग्राउंड कलर इंसर्ट करने के लिए। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, जो हमने वैल्यू टाइप की है उसको लेफ्ट सेंटर राइट मिडल बॉटम में सेट करने के लिए। अब देखेंगे प्रैक्टिकल, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेल में वो क्या है फॉन्ट। सीट पर हमने कोई भी वैल्यू टाइप की है, वैल्यू टाइप करने के बाद जो एक्सेल में नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11 का, और जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 72। वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट फेस, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो, तो जैसे ही हम इस पे कर्सर लेके आएंगे जो हमने वैल्यू सिलेक्ट कर रखी उसमें चेंज दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा साथ के साथ कि कौन सा हमारा फॉन्ट आएगा इस फॉन्ट फेस। या हमने सिलेक्ट किया एरियल तो वही क्या है आ जाएगा। फॉन्ट साइज, अक्षरों का साइज नॉर्मल 11 और मैक्सिमम 72, आपको कितना रखना है। अब हमने यहां से रख दिया 28, तो देखो जैसे ही हम एक्सेल में फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे ना तो फॉन्ट साइज बढ़ाते के साथ क्या है रो और कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ जाएंगी, मतलब जो रो की हाइट है वो भी चेंज हो जाएगी, जो कॉलम की विड्थ है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम 11 का करेंगे फॉन्ट साइज तो क्या है वही नॉर्मल रहेगी। इसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज से हम क्या है फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। मैटर को हमने सिलेक्ट किया, इंक्रीज फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं इसको, डिक्रीज से क्या है घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस फॉन्ट साइज को हमने बढ़ाया था तो किससे कम कर सकते हैं डिक्रीज। बोल्ड हो जाएंगे मोटे, इटालिक तिरछे हो जाएंगे,
अंडरलाइन से हम क्या है, अंडरलाइन लगा सकते हैं, डबल अंडरलाइन लगाना चाहो डबल लगा सकते हो, अंडरलाइन को हटाना है तो यहीं से हटा सकते हैं, बॉर्डर लगाना है ऑल बॉर्डर, इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हो। अब जो ये बॉटम टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर ये सब ऑप्शन है, ये किस पे अप्लाई होंगे, टेबल पे। इसको सिलेक्ट किया, यहां से हमने इंसर्ट की टेबल, माई टेबल हैज हेडर, टेबल इंसर्ट की हमने। अब इस टेबल पे इंसर्ट करना है बॉर्डर, सिर्फ राइट का शो हो जाए तो देखो सिर्फ राइट का बॉर्डर शो हो जाएगा, ब्लैक लाइन जो आएगी ना वो सिर्फ राइट में आएगी। अब हमें लेफ्ट में शो करना है तो यहां से हम क्या है, लेफ्ट का बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। बॉटम का सिलेक्ट करोगे तो बॉटम में आ जाएगा, टॉप का सिलेक्ट करोगे टॉप में, और सेंटर का चाहिए हमें तो आउटसाइड बॉर्डर डाल दिया तो क्या है, आउटसाइड का आ जाएगा। आउटसाइड मतलब चारों तरफ का आ जाए, बीच का ना आए, थिक बॉक्स में आ जाए, उसी तरीके से आ जाएगा। जो लाइन है वो थोड़ा बोल्ड मोटी हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी। नेक्स्ट है फिर, ये सभी ऑन वही है, बॉटम डबल बॉर्डर चाहिए, बॉटम में थिक में चाहिए, टॉप बॉटम चाहिए, टॉप एंड थिक बॉटम चाहिए, टॉप एंड डबल बॉटम चाहिए, तो यहीं से हम क्या है ले सकते हैं। इरेज, इरेज से क्या है, जो हमने बॉर्डर लगाया था उसको इरेज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो टेबल को, इरेज, या फिर एमएस वर्ड में जो हमारी टेबल होती है वहां से भी हम क्या इससे इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेबल को इंसर्ट किया, लेआउट मेन्यू सॉरी डिजाइन मेन्यू इरेज, ऐसे इरेज कर सकते हैं, इरेज हो जाएगी। इसके बाद है फिर, इरेज करने के बाद लाइन कलर, लाइनों का कलर कैसा चाहिए, लाइनों का कलर चेंज कर सकते हो। ये सब फॉर्मेटिंग आप वर्ड में कर सकते हो, जो टेबल बनाओगे उस पर, वर्ड की टेबल में। लाइनों का स्टाइल, ये देखो साथ के साथ इसकी लाइनों का स्टाइल तो दिखाएगा। ऑल बॉर्डर चाहिए, ये देखो अब क्या है, लाइनों का स्टाइल भी चेंज हो गया। दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, इरेज बॉर्डर, इरेज हो जाएगा। पूरी टेबल को हमें क्या है सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस जो एरिया है जिस पे हमने ये बॉर्डर लगाया था उसको, तब ये क्या है इरेज हो जाएगी हमारी टेबल। हटाना चाहते हो यहीं से करो नो बॉर्डर, कि अभी हमने बॉर्डर वगैरह लगाए हैं वो सब हट जाए। ये है फिर फिल कलर, कि जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर क्या है फिल कलर इंसर्ट हो जाए, कौन सा कलर फिल करना है वो यहां से हम कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, अक्षरों का कलर, फॉन्ट कलर कौन सा लेना चाहते हो फॉन्ट कलर ले सकते हो। अब जो हमने ये टेबल वगैरह लगाई थी इसे हटाना है, पूरी सीट को सिलेक्ट करो, पहले तो यहां से फिल्टर हटाओ या फिर अंडू कर दो। अंडू क्या करेगा, एक एक करके सभी सभी को हटा देगा यहाँ से।
अब देखो जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल में नॉर्मल फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया था कि 11 होता है, वो 11 कहाँ सेट होता है? देखो जो ये ऑफ बटन है, इसमें हमें ऑप्शन मिलता है एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन पे जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पॉपुलर। इसमें यहाँ पे देखो यूज दिस फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो, यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करते हो। फॉन्ट साइज अक्षरों का नॉर्मल साइज 11। सीट ये देखो, एक्सेल में नॉर्मल 3 सीट ओपन होती है, लेकिन जिस सीट को हमने ओपन कर रखा है उसके अंदर कितनी सीट ओपन है? 9। कितनी सीट ओपन है? 9। और इससे आगे 2 सीट और ओपन है, क्योंकि यहाँ पे हमने कितनी सीट डाल रखी है? 11। तो यहाँ पे क्या है, 11 सीट शो हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि नॉर्मल जो हमारी 3 सीट होती है वही ओपन हो। 3 यहाँ पे टाइप करो, उसके बाद कर दो ओके। ओके, एक्सेल क्लोज करो, दोबारा से ओपन करो। नॉर्मल कितनी सीट ओपन हो जाएंगी? 3। और फॉन्ट साइज कितना मिलेगा नॉर्मल? 11। के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एलाइजन। एलाइजन क्या होता है? जो हमने सेल में वैल्यू टाइप की है, इस सेल में जो हमने वैल्यू टाइप की है, हम चाहते हैं ये वैल्यू हमारी टॉप से स्टार्ट हो, मिडल बीच में से, बॉटम नीचे से, लेफ्ट सेंटर राइट। इसके बाद यहाँ पे ये दो ऑप्शन और है, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज क्या करेगा? लेफ्ट के स्पेस को कम करेगा, और डिक्रीज क्या करेगा? लेफ्ट के स्पेस को बढ़ाएगा। डिक्रीज होता है लेफ्ट में स्पेस सेट करने के लिए, और इंक्रीज होता है लेफ्ट के स्पेस को कम करने के लिए। इसके बाद है अलाइनमेंट। यहाँ पे हमने अंडू रीडू कमांड यूज की है, वैल्यू को सिलेक्ट किया। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जिस वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया है उस वैल्यू को हमें रोटेट करना है। क्लिक करो इस पे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट टॉप में। अब ये देखो जैसे ही हमने इस टेक्स्ट को टॉप में डाल दिया, प्लस 45 डिग्री डाल दिया, ओके करो, तो जो हमारी वैल्यू है वो प्लस 45 डिग्री में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो माइनस 45 डिग्री में जाए, एंगल क्लॉकवाइज। इसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट में आ जाए, रोटेट टेक्स्ट अप में आ जाए, डाउन में आ जाए, वापिस हमें यही ये नॉर्मल चाहिए। तो जो ये देखो बीच वाला जो पॉइंट है इस पे क्लिक करो। जैसे ही हम बीच वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू क्या है हमारी, स्टेट हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ओके करो, वापिस हमारी क्या है, नॉर्मल वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जो हमने यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन किया था, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरो का सिंबल मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या है, फॉन्ट की कमांड पूरी ओपन हो जाएगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये देखो ये हो गया हमारा फॉन्ट का ऑप्शन। अभी जो हमने बाहर से भी ऑप्शन किया है, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलेगा। फॉन्ट स्टाइल, अक्षर का स्टाइल, यहाँ से हम क्या है, अक्षरों का स्टाइल ले सकते हैं। फॉन्ट साइज, अक्षरों का साइज ले सकते हो। अंडरलाइन, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल अकाउंटिंग में चाहिए, डबल अकाउंटिंग में चाहिए, यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद कलर, फॉन्ट कलर कैसा लेना है, फॉन्ट कलर ले सकते हो। नॉर्मल फॉन्ट लेना है तो नॉर्मल फॉन्ट ले सकते हो। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जो हमने टेक्स्ट टाइप किया, जो हमने वैल्यू टाइप की है
उसके ऊपर सिंगल लाइन इंसर्ट करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमने एबीसी टेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखो एक प्रीव्यू के लिए आया हुआ है, तो जैसे ही वो प्रीव्यू आया हुआ है ना, तो हमने स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक किया, तो वो क्लिक करते के साथ क्या है, इस पे लाइनिंग आ गई है, और जैसे ही हमने इसको हटा दिया तो वो क्या है, वो लाइनिंग जो आई हुई थी वो हट जाएगी यहाँ से। ये होता है स्ट्राइक थ्रू की, जो सेलेक्ट टेक्स्ट है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी वैल्यू के टॉप में पावर लगाने के लिए, इसलिए होता है वैल्यू के टॉप में पावर लगाने के लिए। यहां से हमने किया ओके, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया एक्स टू। अब हमने यहाँ पे देखो एक्स टू टाइप किया है, एक्स टू में हम क्या करेंगे, सिर्फ टू की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ टू को। देखो जैसे ही हमने टू को सिलेक्ट किया, टू को सिलेक्ट करने के बाद जो ये एरो दिखाई दे रही है इस पे क्लिक करो और यहां से कर दो सुपर स्क्रिप्ट ओके, तो देखो टू क्या है, उसकी पावर लग जाएगी। इस तरीके से अब हमें बॉटम में चाहिए, सिर्फ टू को हम क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट क्या होगा, बॉटम में पावर के लिए। सुपर से क्या है, टॉप में लगा सकते हैं, और सबसे बॉटम में। अब जो हमने ये कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन को हटाना चाहते तो उस कंडीशन को हटाओगे कैसे, एरो पर क्लिक करो, इसी एरो पर जो हमने टिक लगाया था उसको हटा देंगे, यहां से हम करेंगे ओके, वापिस नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद इसी एरो पर दोबारा क्लिक करो, एलाइजनमेंट जो अभी मैंने आपको बताया था, हॉरिजेंटल एलाइजनमेंट, जनरल नॉर्मल, लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए, सेंटर बीच से, राइट इंडेंट राइट से, ठीक है। इसके ये फील का, जस्टिफाई का ये ऑप्शन आएंगे आपके नेक्स्ट, इधर ये रहा फील ऑप्शन, इससे आगे के ऑप्शन उसमें फील में। अब ये देखो जो हमारा ये टेक्स्ट का इंडेंट था, ये वाला ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को हम यहाँ से भी रोटेट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कितने डिग्री करना चाहते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके करो, ओके करते के साथ इस एल पे लगाया था ना, एंटर करते के साथ वही कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमने पूरी सीट को तो सिलेक्ट किया नहीं था, जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया पर ही ये कंडीशन लगेगी। अब जो ये कंडीशन लगाई थी उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे हमें ये तो नहीं पता कितने एरिया पर लगाई थी। पूरी सीट को सिलेक्ट कर दो, ये जो एरो दिखाई दे रही है इस पे क्लिक करो, बीच वाले पॉइंट पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगी। आज जो हमने टॉपिक किए हैं उनके बारे में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। आज का हमारा टॉपिक क्या था, फॉन्ट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एलाइजनमेंट। ये थे हमारे आज के टॉपिक, इसमें से अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।